अनमोल वाणी इस कविता के दूसरे प्रमुख रचनाकार है सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। कृष्ण भक्ति की धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, नलदमयंती, यह सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पद यह सूरदास की सुरसागर इस रचना से लिया गया है, जिसमें सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। मैया कब हूं बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। बाल श्री कृष्ण कई बार कहने पर भी दूध नहीं पिया करते थे। बार बार कहने पर भी वह अपनी मैया का कहना नहीं मानते थे, इसलिए एक बार यशोदा ने उन्हें लालच देकर यह कहा कि अगर वह प्रतिदिन कच्चे दूध का सेवन करेंगे तो उनकी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रतिदिन कच्चे दूध का सेवन करने लगे और कुछ दिनों बाद उन्होंने यशोदा से यह प्रश्न किया कि मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते पीते तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी मेरी चोटी पहले जैसी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी। श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि इसीलिए ही तुम मुझे कच्चा दूध पीने के लिए कहती थी और माखन रोटी नहीं देती थी। यह कहकर श्री कृष्ण अपनी मैया से रूठ जाते हैं। सूर श्याम चिरजीवी दो भैया, हरी हलधर की जोटी। सूरदास यह कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण इन दोनों भाइयों की जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत है और वह मन को आनंदित करती है।